पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हमारा स्टेट का कुछ इश्यू है, जैसे हमारा उधर में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज हुआ है, इसी के लिए अम्फन हुआ है, फोनी हुआ है, जोश हुआ है, इसमें हमको बहुत रुपया अभी मिलेगा सेंट्रल से पड़ा है, इसको बारे में हम लोगों ने बात किया है। और सारे बहुत सारे स्कीम है, जैसा 96,655 करोड़ का माफी रुपया हमको मिलेगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, और रुपया थोड़ा देने के लिए हमने बोला कि हमारा स्टेट कैसे चलेंगे, अगर सेंटर का जो रुपया देना था और रुपया अगर रुक दिया गया तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम देख लेता है परिस्थिति क्या है, परिस्थिति देख के बताएंगे। दूसरी बात यह है, हम बीएसएफ का बारे में चर्चा किया, मैंने ये बात जरूर किया कि हिंदुस्तान में फेडरल स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा देश में फेडरल स्ट्रक्चर को जबरदस्ती करना नहीं, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करने का बात है, और इसी के लिए वो बीएसएफ को ज्यादा पावर देने से, ऐसे बीएसएफ हमारा एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है, आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है कि आपने देखा बीएसएफ हमारा उधर में बहुत सारे गोली चला दिया, तीन चार दिन पहले भी गोली में तीन गरीब जनता को मौत हुआ कुछ भी डिस्ट्रिक्ट में, इसका पहले भी बहुत सारे मौत हुआ, कभी दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में, कभी कुचबिहार में, कभी मालदा में, कभी मुर्शिदाबाद में, कभी उत्तर चौबीस परगना में, बहुत बॉर्डर में मौत हुआ। तो इसी के लिए हमने कहा कि अगर आपको बॉर्डर संभालने के लिए बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो, अगर स्टेट से ज्यादा मदद आपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में फेयर है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ को जो आप जो कानून बनाया वो कानून को आप उठो के लिए, इसमें हम बात किया। तीसरी बात यह है, हम कोविड के बारे में चर्चा किया कि 12 से 18 साल तक उसका बारे में अभी तक पॉलिसी डिसीजन कोई नहीं है, अगर पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा तो हम एक काम भी कर सकते हैं, हमारा और भी डोज चाहिए जो है, एक जिसको दे दिया दो नंबर हम दे रहा है, हम ऐसे 8.5 करोड़ का ज्यादा हमको दिया हो गया है और जो बाकी है वो हम देते हैं, लेकिन 12 से 18 साल तक इसको लिए क्या पॉलिसी है कि स्कूल भी अभी खुल गया तो स्कूल कॉलेज खुल गया तो इसका बारे में अब देखिए एक्सपर्ट्स कमेटी क्या कहते हैं, तो प्लीज सेंड आवर कोविड दिस वैक्सीनेशन सो देयर शुड नॉट बी एनी गैप, इसको बारे में भी हम चर्चा किया। और एक चर्चा किया है हम जूट इंडस्ट्री का बारे में, बंगाल में 82% जूट ग्रोअर्स है, जूट प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है, हमारा बहुत जूट इंडस्ट्री है, लेकिन जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका एक कैप दिया है, वो कैप देने के बाद फार्मर्स लोग जूट बेच नहीं सकते हैं, और इसी में क्या होता है जो होल्डर है वो जूट को होल्डिंग करके रख के इंडस्ट्री चलाते नहीं है और इंडस्ट्री बंद हो जाता है, और इसमें जूट वर्कर अभी बहुत दुख में है, तो इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर बोला कि हम तो 100% फेवर में हो जूट का, जो हमारा ऑल्सो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का भी यही परसेप्शन है कि हम 100% वी आर इन फेवर ऑफ जूट प्रोटेक्शन एंड जूट यूटिलाइजेशन, तो इसी के लिए हमने बोला कि आप जूट कमिश्नर को थोड़ा बोलिए कि इसको नेग्लेक्ट नहीं करके, और जो कैप बनाया जिसमें चासी लोग किसान लोग खरीद नहीं सकते हैं और उसको माल होल्डिंग हो जाता है और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलता है,
तो इसका बारे में झूठ कमिश्नर को बोलने के लिए उन्होंने भी मेरे को कहा कि आप लोग भी एक राउंड टेबल मीटिंग कर लीजिए सबको बुलाकर। हम बोला हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी मीटिंग किया है और द स्टेक होल्डर्स का साथ, और भी आप बोलते हैं तो हम जरूर बोलेंगे। और एक बात मैंने कहा, देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकली आपका साथ हम लोग को जो भी डिफरेंस है, पॉलिटिकली डिफरेंसेस रहेगा ही, पॉलिटिकली डिफरेंस, आपका पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, हमारा पार्टी का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा स्टेट सेंटर का रिलेशन इसमें कोई असर पड़े। तो इसी के लिए स्टेट का डेवलपमेंट होने से सेंट्रल का डेवलपमेंट होता है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे हैं। बीएसएफ के अधिकारों को लेकर वो लगातार हमलावर रही हैं, बढ़े हुए अधिकारों को लेकर, और उस पर उसे फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक भी बता रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।